प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना हार के बाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोंडा और फतेहपुर के जिला अधिकारियों सहित कई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलाधिकारियों को निलंबित कर दिया है और मामले में FIR दर्ज कराने का भी निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से सभी जिलाधिकारियों के भीतर हड़कंप मच गया है। गोंडा के कलेक्टर JB सिंह और फतेहपुर के कलेक्टर प्रशांत कुमार को अवैध खनन और वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, छोटे अधिकारियों को हमेशा दंडित कर दिया जाता है, लेकिन वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही तय नहीं की जाती। यदि वरिष्ठ स्तर पर प्रभावी सुनवाई में कार्रवाई की जाती तो कदाचित इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न होती। प्रकरण में कार्रवाई की प्रभावी मिसाल स्थापित करते हुए वरिष्ठ स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करना आवश्यक, जिससे सरकार के महत्वपूर्ण कार्य को समय पर सुनिश्चित करके पारदर्शिता लाई जा सके। ऐसे में कहीं न कहीं सबको देखकर तो यही लगता है कि कैराना हार का असर मुख्यमंत्री पर जरूर पड़ा है। फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में योगी की ये गाज किस किस अधिकारियों पर गिरेगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।